हाय गाइस, वेलकम बैक टू यामिनी मल्होत्रा'स यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाने वाली हूँ, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, सो आई एम गोना टॉक अबाउट डिप्रेशन, व्हाई इज इट हैपनिंग एंड द सॉल्यूशंस। अब ये एक व्लॉग में तो पूरा नहीं हो सकता है, सो आई थिंक आई विल हैव टू मेक 4 or 5 व्लॉग्स। एंड उन सब व्लॉग्स को देखने के लिए ना आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट। एंड वो रिंग वाला बेल होता है ना, उसको भी प्रेस कर दो, सो द मोमेंट आई पोस्ट अ वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि डिप्रेशन हो रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड द रीजंस। सो एक रीज़न तो ऑब्वियसली कुछ लोगों ने इस समय कोविड की वजह से अपने लव्ड वंस को खो दिया है और उनको डिप्रेशन हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एनी ऑफ यू गाइज जिनका कोई भी अजीज इंसान इस समय कोरोना की वजह से जिसकी डेथ हो गई है। और अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो वो डिप्रेशन बहुत ही लाजमी है, क्योंकि एक इंसान को खोने का दर्द तो बहुत ज़्यादा ही होता है। आई एम वेरी सॉरी बट इसका कुछ वी आर सो हेल्पलेस। ये सिचुएशन हमें एक्सेप्ट करनी होगी। बट अगर आप अभी घर पे अकेले हो तो प्लीज़ अकेले मत रहो। इफ़ पॉसिबल किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाओ या किसी फ्रेंड के यहाँ रहने चले जाओ। वो पॉसिबल नहीं है तो किसी को अपने घर पर बुला लो, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन पे सबसे कनेक्टेड रहो। अकेले मत रहना, बिकॉज अकेले रहने से, अकेले बात किसी से बात ना करने से और अंदर अंदर घुटने से डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी रही बात कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की जिनकी लाइफ में सब ठीक है फिर भी डिप्रेशन हो रहा है, तो उस डिप्रेशन के हमें रीज़न सोचने हैं। तो अब आपको ये बात समझनी होगी कि Who is controlling who? Is your brain controlling you or you are controlling your brain? जब हम normal circumstances में होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, हम enjoy कर रहे होते हैं, हम chill मार रहे होते हैं, तो हमने अपने brain को control किया हुआ होता है। लेकिन जब depression हो रहा है, sadness हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, that means now your brain is controlling you। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी और को अपना boss बनने दोगे अपनी life का? नहीं बनने दोगे ना। तो आप अपने ब्रेन को अपना बॉस क्यों बनने दे रहे हो? आप अपने ब्रेन को खुद अलाउ कर रहे हो कि ये ले आ जा और मेरा जितना जो बिगाड़ना ना तू बिगाड़, तू सोच, तू नेगेटिव सोच, तू और घटिया सोच, तू सोचता जा, कुछ ना कुछ बनाता जा, और मैं उस बात की टेंशन लेता जाऊंगा, रोता जाऊंगा, स्ट्रेच होता जाऊंगा, ओ माई गॉड। नहीं, सबसे पहले अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछने हैं, कंट्रोल करना है कि ओ हेलो, यू आर नॉट कंट्रोलिंग मी, आई एम द बॉस। ओके, तू मुझे नहीं बताएगा कि टेंशन हो रही है, पहले मुझे बता टेंशन किस बात की हो रही है। ठीक है, तो अब पहले ब्रेन से पूछना है कि टेंशन क्यों हो रही है। मैक्सिमम लोगों को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग घर पे हैं, 1 साल 1.5 साल से हम लोग कहीं आ नहीं कहीं हम जा नहीं रहे हैं, कहीं हम किसी फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, हम रिलेटिव्स के घर नहीं जा रहे हैं, हम घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स इरिटेशन तो होगी ना। इरिटेशन होना इज ओके, डिप्रेशन होना इज नॉट ओके। ठीक है, अपने ब्रेन को समझाओ कि यू आर नॉट द ओनली वन जो घर पे बैठा है। ठीक है, ये पैंडेमिक जो आया है ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए आया है ना, पूरा वर्ल्ड सेम सिचुएशन में है, पूरी कंट्री सेम सिचुएशन में है, सेकेंड वेव तो पूरे इंडिया के लिए आया है ना, अकेले आपके लिए तो नहीं आया। अकेले लॉकडाउन में सिर्फ आपको तो घर बैठने को नहीं बोला ना गवर्नमेंट ने, सबको घर बैठना है। तो फिर सबसे पहले अपने ब्रेन को बताओ दैट इट्स नॉट ओनली हैपनिंग विद मी, वी आर ऑल इन द सेम स्टॉर्म। जो सबका होगा वो मेरा भी होगा, राइट? इस बात को जैसे आप समझ जाओगे ना कि सबकी सेम हालत है, तो आपके ब्रेन को थोड़ी सी शांति मिलेगी कि ओके, सब सेम हालत में हैं। ये ब्रेन को समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा वो। ठीक है, अब ये पूछो ब्रेन से कि जो सिचुएशन की मैं टेंशन ले रहा हूं, क्या वो सिचुएशन सच्ची में हुई है या मेरी इमेजिनेशन है? शायद वो सिर्फ एक इमेजिनेशन हो। जैसे कि अभी एग्जाम्स हुए नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत सारी टेंशन ले ली है। ओ माय गॉड, मुझे कितने सारे बच्चों ने इंस्टा में मैसेज किया, मैम मुझे लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैम मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी। मतलब ये इमेजिनेशन है, आप फेल हुए नहीं हो, आपने सोच लिया है कि क्योंकि पढ़ाई तो ढंग से हो नहीं पा रही है, मैं घर बैठा हूं, पढ़ाई नहीं हो रही है, अब मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं हुए हो ना,
तो फिर क्यों इमेजिन कर करके परेशान हो रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो? बहुत सारे लोगों को ये डिप्रेशन हो रहा है, ओ माई गॉड मुझे भी कोविड हो जाएगा या मेरे घर के किसी इंसान को कोविड हो जाएगा और हमारे घर में भी डेथ हो जाएगी। हुई है डेथ? नहीं हुई है। हुआ है कोरोना? नहीं हुआ है ना। तो अगर कोरोना नहीं हुआ हुआ है और अगर किसी की डेथ नहीं हुई हुई है, सो एट दिस पॉइंट यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, यू शुड फील हैप्पी कि थैंक यू भगवान जी मेरे घर तक अभी तक कोरोना नहीं आया है, प्लीज मेरे घर से कोरोना को दूर रखना, मेरे पेरेंट्स को सुरक्षित रखना, मुझे सुरक्षित रखना। यू नीड टू बी थैंकफुल। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप उल्टा डिप्रेशन ले रहे हो, हाय कोरोना घर पे ना आ जाए, हाय मेरे को ना हो जाए, हाय इसको ना हो जाए, हाय उसको ना हो जाए। तो ये मत सोचो ना कि तुम सोच के तुम सिचुएशन बना रहे हो, जब होगा तब देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं हुआ है ना तो अभी से क्यों सोचना। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हे भगवान मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अरे इस समय ना सबका फ्यूचर रुका हुआ है, मेरा भी तो फ्यूचर रुका हुआ है ना, मैं भी तो घर पे बैठी हूँ ना। इवन आई एम एट होम, इवन आई एम नॉट शूटिंग, तो क्या मैं सोच के मर जाऊँ कि ओ माई गॉड मेरा एक्टिंग करियर खत्म हो गया? नहीं, मेरा एक्टिंग करियर नहीं खत्म हुआ है। लॉकडाउन फिनिश होगा, आई विल गो बैक टू मुंबई एंड मेरी लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। ऐसे ही आपकी लाइफ भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। एंड वी आर नॉट ऑन प्लैनेट अर्थ फॉर जस्ट 2 years और 5 years, हम प्लैनेट अर्थ पे हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के लिए। तो अगर 1-2 साल उस पीरियड में खराब हो रहे हैं, आपके 80 साल में से 2 साल अगर खराब हो रहे हैं, तो हो जाने दो ना, कोई बात नहीं ना, सबके तो हो रहे हैं ना, ये 2 साल सबकी लाइफ के माइनस होंगे ना। नो स्टॉप बोल रही हूं मैं, देख लो तुम लोगों के लिए। अब समझ आया ये सारी गेम जो है ये ब्रेन खेल रहा है तुम्हारे साथ। ब्रेन को पावर में ला लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ब्रेन तुम्हारा बॉस बना रहा, तुम ऐसे ही रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे। ठीक है, अब जैसे ही टेंशन हो, पहले ना खुद को, दिमाग को बताना है, ओ शिट मुझे फिर फालतू की टेंशन हो रही है। ये वर्ड खुद को बताना है कि मुझे फिर से फालतू की टेंशन हो रही है। और अगर ये टेंशन नॉनस्टॉप 5-7 मिनट 10 मिनट तक ली, तो फिर से डिप्रेशन हो जाएगा। यहां तक मैंने पहुंचने ही नहीं देना है। जैसे ही पता चले कि कोई नेगेटिव थॉट बनना शुरू हो गया है, उसी टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक काउंटिंग करो और इन 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर कोई एक चीज सोच लो जिससे तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फटाफट से इंस्टा खोल लो, फटाफट से टीवी ऑन कर दो, फटाफट से किचन में चले जाओ पानी पीने, फटाफट से छत पे चले जाओ, फटाफट से किसी फ्रेंड को फोन कर दो, और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है। ये टेंशन को ना बढ़ने मत दो, जैसी टेंशन बढ़ती है ना तो प्रॉब्लम आती है। मुझे भी टेंशन होती है, मेरे को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन मैं ये सॉल्यूशंस अपने ऊपर यूज करती हूँ। और मैं कोई भी बात ना आपको कहीं से भी पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगी, और अगर आपने मेरे एक्सपीरियंसेस को प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी 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 हैप्पी। तो आज की समरी ये है, फर्स्ट आपको अपने ब्रेन को बॉस नहीं बनने देना है, यू बी द बॉस, यू कंट्रोल योर ब्रेन। एंड सेकेंड, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो पहले हिसाब किताब लगाओ कि क्या ये सच में हुआ है या ये मेरी इमेजिनेशन है। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इमेजिनेशन, ये फ्यूचर में होगा वाली टेंशन है, उसी टाइम उन्हें ब्रेन को कह दो कि ओ हेलो कुछ नहीं हुआ हुआ है, ठीक है, इट्स ऑल गुड, सब ठीक है, मेरी मम्मा जिंदा है, मेरे पापा जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, मेरे ब्रदर सिस्टर एवरीबडी इज फाइन, मेरा स्कूल अभी भी है, मेरा कॉलेज अभी भी है, मेरे जॉब अभी भी है, जो भी है सिचुएशन है सब ठीक है। ओके, सिर्फ इतनी बात अपने ब्रेन को बता दो कि ओ हेलो इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, कुछ नहीं हुआ है, कुछ खराब नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। तो ये था पहला यामिनी मैया का ज्ञान। ऐसे बहुत सारे और ज्ञान आने वाले हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के, सो साथ रहो मेरे, बताती जाती हूँ सब मेरे सीक्रेट्स हैं, एक एक करके सब बता रही हूँ। बाय, आई लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दो ना और व्यूज बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, चैनल फेमस करो मेरा, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, सबका डिप्रेशन ठीक करवाते हैं। लव यू।